उतारिए और मारिए, अपना जूता उतारिए और मारिए, अपना जूता उतारिए और मारिए। सत्ता का सरूर जब सिर चढ़कर बोलता है तो नेता को होश नहीं रहता कि वो किसके बारे में क्या बोल रहा है। कानून के रखवाले और कानून के रचनाकार को सफेदपोश नेता सत्ता के नशे में अपमानित करने से पीछे नहीं हटते। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है ललितपुर में, जहां बीजेपी विधायक समर्थकों को सामने देखकर कुछ इतने जोश में आए कि जूता उठाने की बात तक कह डाली। विधायक महोदय ने किसके लिए जूता उठाने के लिए कहा और क्यों कहा, जरा सुनिए। जनप्रतिनिधि के नाते, जन सेवक के नाते यहाँ आपके मंत्री जी हैं और अब हमको संरक्षण मिल गया केंद्र से, दिल्ली से भाई अनुराग शर्मा का। अब तीनों लोग बैठ करके अभी तक जो सरकार प्रदेश के सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे अभी भी महीने दो महीने में ठीक नहीं होते हैं और अपने कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करते हैं, तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, अपना जूता उतारिए और मारिए, अपना जूता उतारिए और मारिए, अपना जूता उतारिए और मारिए, अपना जूता उतारिए और मारिए। विधायक रामरतन कुशवाहा एक समारोह में शामिल होने आए थे, जहां उन्होंने कहा कि अगर सरकारी अधिकारी कार्यकर्ता की इज्जत न करें तो हाथ में जूता उठाओ और काम करवाओ। इससे पहले बीजेपी विधायक और सांसद की जूतम पैजार का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिससे जमकर फजीहत हुई थी और एक बार फिर विधायक महोदय ने जूते का यलगार कर दिया। इससे अब बीजेपी को एक बार फिर लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सत्ता क्या मिली, बीजेपी के नेता बेलगाम हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।